Yes, my dear children, just before a while, in my previous video, I gave you a quick recap of the chapter, quick summary of the chapter of the last lesson, as you came to know that this is a Franco-Prussian war. Okay, Prussian means the soldiers of France, Sweden, okay, and definitely Austria. इनके soldiers को combinedly हम लोग कहते हैं Prussian soldier. Prussian soldier Germany, Sweden and Austria. इनके जो soldiers हैं वो Prussian हैं, उनके साथ France की एक लड़ाई है. Germany चाहता था France के Alsace और Lorraine, ये दो province में, इन दोनों प्रदेश में वो अपना कब्जा दबदबाए. ओके, द कब्जा शुरू करें. नाउ आई एम गोइंग टू रीड द लेसन लाइन टू लाइन फॉर योर बेटर कम्प्रिहेंशन. जस्ट हैव अ लुक टू दैट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ वेरी नाइस मैनर. आई स्टार्टेड फॉर स्कूल वेरी लेट दैट मॉर्निंग एंड वर्स इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग. उस दिन मैं स्कूल के लिए थोड़ा लेट रवाना हुआ. कौन लेट रवाना हुआ? डेफिनेटली फ्रांस जो स्टूडेंट है. ओके, एंड आई वॉज इन अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कॉल्डिंग. मुझे डर लगता था, ड्रेड. आई वॉज फियर full of scolding. मुझे डांटेंगे कौन? मिस्टर हैमल, especially because मिस्टर हैमल had said that he would question us on participle. participle जो ग्रामर के रूल्स है, ओके, उसके ऊपर ing रूल्स है, ओके, एंड what is their relationship with verbs, that question will be asked by Mr. Hamel. Mr. Hamel, ये सवाल participle के रूल्स मुझे पूछेंगे, इसलिए मैं थोड़ा लेट जाने गया था. and I did not know the first. You can follow the lines. I did not the first word about them. मैं तो एक शब्द भी नहीं जानता था. For a moment I thought of running away from spending the day of the doors. मैं तो सोचा दरवाजे से भाग जाऊँ. It was so warm, so bright. आज का दिन बहुत ही शाइनी है और थोड़ा सा आज टेम्परेचर भी ज़्यादा है. द बर्ड्स वर चर्पिंग एट द एज ऑफ द वुड्स. वुड्स के किनारे में बैठ के बर्ड्स जो है चर्पिंग कर रहे हैं. चर्पिंग इज अ साउंड ऑफ बर्ड. ओके, बर्ड्स की चहचहाट को हम इंग्लिश में कहते हैं चर्पिंग या ट्विटरिंग. Chirping at the edge of the woods and in the open field back of the sawmill. Okay, windmill. Windmill के बगल में मैं बैठ के क्या देख रहा था? The Prussian soldiers were drilling. As I told you, Prussian soldiers, the soldiers of Germany, Austria and Sweden. Combinedly, they have invaded France. जिन्होंने फ्रांस को इन्वेट किया. ओके, तो प्रशियन सोल्जर्स जो है वो ड्रिलिंग कर रहे. इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग दैन द रूल ऑफ पार्टिसिपल. पार्टिसिपल रूल की पढ़ने से बेटर है उनकी ड्रिलिंग देखना. और टेम्पटिंग मतलब ये हमें और ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं कि उनकी ड्रिलिंग सोल्जर्स का कैसे हो रहा. बट आई हैड द स्ट्रेंथ टू रेजिस्ट. पर मुझे अपने आप को रोकना था. रेजिस्ट मीन्स आई हैव द स्ट्रेंथ टू कंट्रोल माई सेल्फ एंड हरीड ऑफ टू स्कूल. मैं स्कूल की तरफ भागने लगा. व्हेन आई पास द टाउन हॉल देयर वॉज अ क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. बुलेटिन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड के सामने मैंने एक क्राउड देखा. फॉर द लास्ट टू ईयर्स ऑल आर बैड न्यूज हैड कम फ्रॉम देयर. पिछले दो सालों में जितने भी बुरे संवाद है वो यहीं से आए हुए हैं. द लॉस्ट बैटल, हम लड़ाई हार गए. द ड्राफ्ट, द ऑर्डर एंड द कमांडिंग ऑफिसर. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ विदाउट स्टॉपिंग. मैं सोचा इस बार क्या इंतजार कर रहा है मेरे लिए. वट कैन बी द मैटर नाउ. अब क्या हो गया? हम तो बहुत बार लड़ाई हार चुके हैं, बहुत बार परेशानियों से गुजर चुके हैं. देन एज आई हर्ड इट बाई एज फास्ट एज आई कुड द ब्लैक स्मिथ. लोहार, ब्लैक स्मिथ मतलब लोहार ने मुझे रोका. एंड ब्लैक स्मिथ वॉचर हु वॉज देयर विद हिज अप्रेंटिस. अप्रेंटिस मतलब लर्नर, जिन्हें वो सिखा रहे हैं. दैट सपोज यू आर द अप्रेंटिस ऑफ माइन, तो मेरे स्टूडेंट हो, सो यू आर द अप्रेंटिस. वहाँ पे ब्लैक स्मिथ होल्डर जो है वो बैठे हुए हैं. ओके, ब्लैक स्मिथ ने अपने अप्रेंटिस के साथ उन्हें जाते हुए देखा फ्रांस को. रीडिंग द बुलेटिन. ओके, एंड रीडिंग द बुलेटिन कॉल्ड आफ्टर मी. डोंट गो फास्ट बब. बब मीन्स बॉय. ए लड़का, इतने तेज मत भागो, गिर जाओगे. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. प्लेंटी मतलब इनफ टाइम. तुम्हारे पास तो काफ़ी समय है, भाग दौड़ क्यों कर रहे हो? आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी. मुझे लगा वो मेरा मजाक उड़ा रहे हैं. एंड रिच्ड, ओके, and reached M. Hamel's little garden all out of breath. All out of breath means panting. हफ्ते हफ्ते मैं हैमल के गार्डन में पहुँचा. Usually when school began there was a great bustle, B-U-S-T-L-E, noise. जब आमतौर पर स्कूल शुरू होता है उस टाइम पर वहाँ पर बहुत नॉइज वगैरह, शोर शराबा आता है. Which could be heard out of the street, जो रास्ते से सुनाई देता है. The opening and closing of the desk, definitely when you are opening your desk and then after sitting you are closing your desk, that is called opening and closing of the desk. मतलब arranging yourself for taking your seat. Lesson repeated in unison. Unison means all together. सारे बच्चे एक साथ पढ़ते हैं, लेसन को याद करते हैं. Very loud with our hands over our ears to understand better. And
हमने अपने कानों पे हाथ देके ताकि बाहर के साउंड ना आए ये सुनने के लिए जो बच्चे जैसे याद करते हैं दैट इज़ कॉल्ड यूनिसन वेरी लाउड विद आर हैंड्स ओवर आर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल और टीचर का वो रूलर थपथपाना रैपिंग मतलब बीटिंग ऑन द टेबल ओके कंसंट्रेशन अपने लिए पैदा करने के लिए बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल आज इतना सन्नाटा क्यों है आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन मैं चाहता था कि इस मौके का फ़ायदा उठा के इस नॉइज़ का फ़ायदा उठा के मैं अपने क्लास में चुपचाप एंट्री कर जाऊँ कमोशन टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बींग सीन बट ऑफ कोर्स दैट डे एवरी थिंग हैड टू बी एज क्वाइट अ संडे मॉर्निंग उस दिन संडे की तरह सब कुछ बिल्कुल सन्नाटा से भरा हुआ था दैट डे एवरी थिंग हैड एज टू बी क्वाइट संडे मॉर्निंग थ्रू द विंडोज आई सॉ माई क्लासमेट्स ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस एंड मिस्टर हैमल वॉकिंग अप एंड डाउन का एक इंग्लिश है अच्छा सा यू नो पेसिंग PACING विद हिज टेरिबल आयरन रूलर इन हिज आर्म आई हैड टू ओपन द डोर एंड गो बिफोर एवरीबडी यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लश एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज अब मैं स्कूल में लेट आया था और आप सब जानते हो कि सबके बीच से ही मुझे गुजर के अपने बेंच पे बैठना था सो आई वॉज वेरी ब्लश्ड ब्लश्ड मतलब शर्मा जाना आई वॉज अशेम्ड एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज मैं बहुत डरा हुआ था बट नथिंग हैपेंड ऐसा कुछ नहीं हुआ मिस्टर हैमल सॉ मी एंड सेड वेरी काइंडली गो टू योर प्लेस क्विकली लिटिल फ्रांस वी वर बिगिनिंग विदाउट यू जाओ मिस्टर फ्रांस छोटे फ्रांस आप अपने जगह पे बैठ जाओ तुम्हारे बगैर ही आज हम क्लास शुरू कर चुके हैं आई जंप्ड ओवर द बेंच एंड सैट डाउन एट माई डेस्क मैं अपने डेस्क में बैठ गया नॉट टिल देन व्हेन आई हैड गॉट अ लिटल ओवर माई फ्राइट तब तक मैं अपने फ्राइट पे अपने डर पे थोड़ा सा काबू पा चुका था डिड आई सी दैट आवर टीचर हैड ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट उस दिन मिस्टर हैवेल अपना ब्यूटिफुल ग्रीन कोट पहने हुए थे